राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। कैसे हैं आप? क्या कहा, अभी जल्दी जागने की आदत नहीं पड़ी आपको? देखिए भाई, आदत ही तो है, बदल डालिए। आदत की बात पर ध्यान जाता है मेरा दिल्ली स्थित मेट्रो स्टेशन पर। जानते हैं, पहले जब मेट्रो आती थी तो चढ़ने वाले लोग उतरने वालों की परवाह किए बगैर धक्का मुक्की करके चढ़ जाते थे। फिर कुछ दिनों बाद या काफी दिनों बाद राजीव चौक और एक दो अन्य जगह पर कुछ लोग मेट्रो ने नियुक्त कर दिए लाइन लगवाने के लिए, आपको हमको सभ्यता सिखाने के लिए। अब मेट्रो आती, आपके पैरों में खुजली मचती कि दौड़कर चढ़ जाऊं, पर सामने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर हिम्मत ही नहीं होती, है ना? धीरे धीरे लाइन में खड़ा होने की आपको ऐसी आदत पड़ी कि अब उन स्टेशन पर जहां की सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन नहीं भी लगवाते, वहां भी आप लाइन में खड़े मिलते हैं। तो देखा आपने, नई आदत डालने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर फिर धीरे धीरे आदत पड़ ही जाती है। अब मसलन एक और आदत की तरफ ध्यान दिलाऊं, आप कभी सड़कों पर, गलियों में कहीं भी चलें तो सड़कों को देखते हुए, नीचे देखते हुए चलिए। आपको देखेंगे कहीं थूक तो कहीं पान की पीक, गंदगी ही गंदगी। कई बार तो दिल करता है कि सड़कों पर जिन जूतों से हम चले, घर में घुसने से पहले उन्हें फेंक दें, है ना? पर वहीं आप मेट्रो स्टेशन में देखिए, जहां की हर आलीशान बिल्डिंग में भी कोने कोने में पान की पीक नजर आती है, वहीं मेट्रो स्टेशन में आप जाने कैसे रोक लेते हैं खुद को थूकने से? कमाल का कंट्रोल है आपका, है ना? तो यानी आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? ये एक अच्छी बात है, एक नई जानकारी, एक नया रहस्योद्घाटन। यानी कि हम और आप अच्छी आदतें डाल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम सबसे अच्छी आदत डालते। जी हाँ, सबसे अच्छी आदत कि हम सोते, जागते, उठते, बैठते, हर पल हर क्षण भगवान को याद करें, अपने हर काम में भगवान को शामिल करें। इतनी सुंदर आदत क्यों नहीं डालते हम? डाल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, यकीन कीजिए। एक बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ ध्यान से सुनिए। गृहेश्व आविशताम चापि पुमसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यात यामानाम न बंधाय गृहमताः। अर्थात, जो लोग भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे हुए हैं, वे निश्चित रूप से समझते हैं कि समस्त कार्यकलापों का वास्तविक व अंतिम भोक्ता तथा लाभकर्ता श्री भगवान हैं। इस तरह वे लोग अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं और भगवत चर्चा में व्यस्त रहते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे गृहस्थ ही क्यों ना हो, पर वे कभी भी अपने कर्मों के परिणाम से प्रभावित नहीं होते। देखिए कितनी सुंदर बात है। लोग कहते हैं अक्सर मुझसे, और पूछते भी हैं, कि भाई क्या अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान में अगर हम लीन होंगे, डूबेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, तो क्या इसके लिए हमें शादी नहीं करनी चाहिए? क्या गृहस्थी बेकार है? क्यों गृहस्थी को लोग इतना बड़ा वो बाधा समझते हैं? यहाँ आपको स्वयं भगवान बता रहे हैं कि देखो, जो लोग भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे हुए हैं और जो ये जानते हैं कि ये जो सारे कार्यकलाप जो हम कर रहे हैं वो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, हाँ, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसके जो भोक्ता है, अंतिम भोक्ता, वो मैं नहीं हूँ, वो भगवान ही है, हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं करता, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। जो इस भाव में डूबा रहता है जो व्यक्ति, तो वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने सकाम कर्मों में बंधता नहीं है, कभी भी, क्योंकि उसके जो कर्म है वो सकाम रहते नहीं है, क्योंकि सारे कर्मों के फलों को वो भगवान को अर्पित कर देता है। तो ये एक टेक्निक है, फॉर्मूला दिया है आपको शास्त्रों ने कि किस प्रकार से जीना चाहिए, ताकि आप जो है कभी भी बंधे नहीं अपने कर्मों से। तो हम जो कर्म करते हैं, जाहिर है हम अपने लिए करते हैं, है ना? हम जो है इस प्रकार से अपनी देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई मैं देह हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जब से हम छोटे से थे और अभी तक हम हमेशा एक शरीर में रहे, और जब भी अपने आप को देखना चाहा तो शीशे में हमारा ये स्थूल शरीर हमें नजर आया,
कभी भी किसी ने हमारी फोटो खींचनी चाहिए, लोग फोटो खींचते हैं, भाई हमारी फोटो खींचो, हमने बड़े ही अकड़ के साथ अपनी फोटो खिंचाई बड़े सुंदर सुंदर ढंग से और हमने कहा ये मैं हूं। मगर क्या ये सच में मैं हूं? क्या यही मेरी पहचान है? ये हमने कभी नहीं सोचा कि मैं अगर ये हूं और मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता तो मुझे बूढ़ा क्यों होना पड़ता है। मैं अगर ये हूं और मैं नहीं चाहता कि भाई मैं बीमार पड़ूं तो भी बीमार होना पड़ता है। मृत्यु मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे आसपास मरे। मृत्यु की एक बहुत बड़ी वेदना होती है लेकिन फिर भी अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इयमालयम्, लोग मरते हैं क्यों? तो ये जो सवाल है ये हम अपने आप से नहीं पूछते और चूंकि हम अपनी पहचान नहीं कर पाते तो हम अपने बनाने वाले की क्या पहचान करेंगे, है कि नहीं? नहीं कर पाएंगे, है ना? तो और मजे की बात यह है कि अपने बनाने वाले यानी भगवान की पहचान करने से पहले हमें ये पहचान करनी होगी कि जो हमारा भौतिक पिता है क्या हम सच में उन्हें जानते हैं। हाँ, कई बार आप देखते हैं कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई और वो रो रहा है कि माई फादर हैज पास्ड अवे, मेरे पिता गुजर गए, लेकिन देखने वाला देखता है कि अरे इसके पिता तो यहीं लेटे हैं, तो वो कौन था जो गुजर गया? अगर जो गुजर गया क्या तुम उसे जानते थे? फिर जवाब आता है नहीं, वो नहीं जानते थे ना, यानी तुमने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं, यानी तुमने स्पिरिट सोल को कभी देखा ही नहीं, आत्मा को नहीं देखा। तो परम आत्मा को आप देखने की बात कहां से कर देते हैं कि हम इन चक्षुओं से इन आंखों से जब अपने भौतिक पिता को नहीं देख पाए जो कि आत्मा के रूप में है एक स्थूल शरीर में, तो हम ये कैसे कह देते हैं कि हम सुप्रीम सोल को देख लेंगे? तो ये हमारी मूर्खता है, मूढ़ता है। तो इस चीज को हमें महसूस करना होगा कि हम अपने देहात्म बुद्धि से थोड़े अलग हो जाएं, अलग होने की आदत डालें, तो हमें सारा कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा, तब हमें कोई संदेह कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। और हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर, ध्यान से सुनिए। गृहेश्व आविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यात यामानाम न बंधाय गृहामताः। अर्थात जो लोग भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे हुए हैं वे निश्चित रूप से समझते हैं कि समस्त कार्यकलापों का वास्तविक व अंतिम भोक्ता तथा लाभकर्ता श्री भगवान है। इस तरह वे लोग अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं और भगवत चर्चा में व्यस्त रहते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे गृहस्थ ही क्यों न हो पर वे कभी भी अपने कर्मों के परिणाम से प्रभावित नहीं होते। कितनी सुंदर बात भगवान के बारे में यहाँ कही गई है कि देखिए आप चाहे जिस अवस्था में रहें, जहां भी रहें, जैसा भी काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से आप बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बात जान लेते हैं कि देखिए मैं एंजॉयर नहीं हूं, ये काम मैं अपने लिए नहीं करता हूं, भगवान के लिए करता हूं, जहां आप अपने समस्त कार्यकलापों का जो केंद्र बिंदु है, अपने घर की एक्टिविटीज का, समस्त क्रियाओं का जो केंद्र बिंदु है, अगर आप भगवान को बना लेते हैं तो आपका जीवन धन्य है, वरना आपका जीवन शून्य हो जाता है। सोचिए हमने अपने जीवन में कितने सारे शून्य जीरोस बटोर रखे हैं, कितने सारे, जितना कुछ ये गाड़ी कबाड़ी ये सब कुछ जो हमने बटोरा हुआ है अपनी जिंदगी में, इतना कुछ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये सब शून्य है, क्योंकि ये सब यहीं रह जाता है, ये सब खत्म हो जाता है, नाशवान है। आज एक गाड़ी भी आप खरीद के लाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल की गारंटी आपको मिलती है, 5, 7, 8, 10 साल बाद वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, कबाड़ा हो जाती है और आप दूसरी गाड़ी खरीदने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो सब अस्थाई है। आप अपने यहाँ पे इसी जिंदगी में रहते हुए देखते हैं इस अस्थायित्व को, हाँ पूरे तरीके से देखते हैं, यहाँ तक कि कोई जीवात्मा जो आपके घर में जन्म लेता है वो भी तो अस्थाई है। जरूरी नहीं है कि वो अपनी उम्र मतलब पार करेगा ही, जो 100 साल तक की उम्र तक पहुंचेगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो एक डर हमेशा बना रहता है, इंसान हमेशा डरा रहता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं भूलता। यहाँ बताया गया है कि जो लोग ये जानते हैं कि भगवान ने सब कुछ अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया, अपने आनंद के लिए, और हम उनके आनंद में सहयोग दें, हम भगवान के आनंद में आनंद का वर्धन करने में सहयोग दें, जो इस लक्ष्य को जानते हैं वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। यहाँ बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त रहें और वो साथ में भगवत चर्चा करते रहें, भगवान की कथाओं का श्रवण और उसका जो है भगवान की कथाएं वो बोलते रहें,
तो उनका जीवन बड़ा धन्य हो जाता है, बड़े सुखमय जीवन में वो रहते हैं, और जो गृहस्थी है वो बोझ नहीं होती, उस समय उनकी जो गृहस्थी है वो भी एक बहुत सुंदर आश्रम बन जाती है और वो भी उन्हें भगवत धाम तक पहुंचा देती है। तो जैसे भगवान कहते भी हैं कि भाई सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि भाई अपने सारे कामों को मुझ पर आश्रित रहते हुए करो। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम अपने काम छोड़ दो और जाके सन्यास लेकर आप मेरा नाम लेना शुरू कर दे, नहीं। भगवान कहते हैं कि आप सारे कामों में मुझे इन्वॉल्व कर लीजिए, मुझ पर आश्रित रहते हुए सारे काम कीजिए, तो क्या होगा, मत प्रसादाद वापनोति, तो आप उन कामों से बंधेंगे नहीं और मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से क्या मिलेगा आपको, शाश्वतम पदम अव्ययम्, यानी शाश्वत पद मिलेगा आपको जिसका कभी नाश नहीं होता। भौतिक जीवन में कोई भी भौतिक पदवी आपको मिल जाए, कितने बड़े बड़े मेडल्स मिल जाए, मैं पुरस्कारों के नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं और बड़े अखबारों में हो हल्ला मचता है, लेकिन दो साल बाद कौन याद रखता है, किसे याद रखता है, एक नई होड़ लग जाती है उस पुरस्कार को पाने के लिए, दोबारा से कोशिश करो फिर मिलेगा, क्या मिलता है, कुछ नहीं, ये सब नाशवान है, टेम्पररी है। लेकिन जो भगवान पुरस्कार देते हैं कि मैं ऐसा शाश्वत पद दूंगा, ऐसा शाश्वत पद जो अव्यय है और शाश्वत है, इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होता, और वो आनंद से परिपूर्ण है। तुम यहाँ आनंद ढूंढते हो लेकिन तुम्हें आनंद नहीं मिलता, मैं ऐसा आनंद दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा, तुम हमेशा आनंदित होते रहोगे प्रतिपल प्रतिक्षण। तो उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और एक और श्लोक आपके लिए बहुत ही सुंदर, ध्यान से सुनिए। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। अर्थात भगवान जब शब्द रूप में अवतार लेकर कानों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त शुद्ध भक्त के हृदय में उतरकर उसके प्रेममय संबंध रूपी कमल पर विराजमान होते हैं, तो उसके हृदय की गंदगी जैसे काम क्रोध और लालच आदि किसी भौतिक संघ से उत्पन्न होते हैं, उन्हें वो उसी तरह साफ कर देते हैं जिस तरह कीचड़ भरे गड्ढों को शरद ऋतु की बरसात साफ कर देती है। तो बहुत सुंदर आपको यहाँ बताया गया है, बहुत सुंदर अर्थ भावार्थ बताया गया है कि देखिए जो भगवान है और उनका नाम है वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जैसे कि मैं आपको कई बार बताती हूँ कि भौतिक जगत में भिन्नता पाई जाती है, जैसे भौतिक जगत में तो इतनी भिन्नता पाई जाती है कि देह और देही अलग है, यानी ये शरीर हमारा अलग है, ये स्थूल शरीर है, पांच तत्वों का बना हुआ, हाँ निर्जीव है, ये जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ। ये चेतन तब बनता है जब इसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तो आत्मा चेतन है, भगवान का अंश है, तो इसलिए ये चेतना से भर जाता है। इसी प्रकार से भगवान और भगवान का नाम जो है वो अलग नहीं है, भगवान और भगवान का नाम एक है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में भर दी है, तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवान का आलिंगन कर रहे होते हैं बेसिकली, तो ये बहुत सुंदर बात है। भगवान का रूप, जब आप रूप ध्यान भी करें अगर भगवान का, और भगवान वो भी एक है, तो भी आप भगवान से एकदम मिल लेते हैं। हाँ, जिस प्रकार से आप देखिए घंटों भगवान का नाम लेंगे आपके अंदर स्फूर्ति आती चली जाएगी, आनंद की वर्षा होने लगेगी आपके हृदय के अंदर, लेकिन अगर आप घंटों किसी भौतिक वस्तु का नाम लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आपको जो है सिर दर्द होने लगेगा, तो ये कितना बड़ा फर्क है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भगवान का जो नाम है, भगवान नाम के रूप में अवतार लेकर कानों के रंध्रों, कानों के छेदों के थ्रू वो हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में जो शुद्ध भक्त ने जो अपना संबंध स्थापित किया हुआ है भगवान के साथ, किसी भी संबंध में आप उनसे जुड़ सकते हैं, सख्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य माँ बाप के भाव में, प्रेमी के भाव में, पति पत्नी के भाव में, किसी भी भाव में आप भगवान से जुड़ सकते हैं, या सिर्फ शांत रस में कि आप भगवान हैं और मैं आपका दास हूँ, मैं जो है आप पर आश्रित हूँ, ये जो है शांत रस है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। किसी भी रस में जब आप जुड़ते हैं तो भगवान उस संबंध के अनुसार आपके साथ आदान प्रदान करते हैं, आपके हृदय में नाम के रूप में अवतार लेकर के हृदय में आसीन हो जाते हैं, और हृदय में क्या है, हृदय में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी काम क्रोध मद लोभ माया मोह मत्सर बहुत कुछ है, और ये सारी जो गंदगी है इसके हम गुलाम हैं, इन्हीं गंदगियों के हम गुलाम हैं, और इन्हीं गंदगियों की वजह से हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं उठती हैं, और इन्हें पूरा करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमें भौतिक देह धारण करना पड़ता है, वरना भौतिक देह हमारे लिए बना नहीं है, हमें धारण करना पड़ता है, हमें जेल में आना पड़ता है।
तो ये बात, ये डिफरेंस, ये अंतर आपको याद रखना होगा। तो भगवान क्या करते हैं, हृदय में बैठकर उस गंदगी को साफ कर देते हैं। भगवान अपने नाम के जरिए तो वो गंदगी साफ हो जाती है। किस तरह? इस तरह जैसे कि जो गड्ढे हैं जिनमें की कीचड़ भरा हुआ है, वो पूल्स, कीचड़ भरे पूल्स, मडी पूल्स, अगर उसमें जो है बरसात हो जाती है, खूब खुल के बरसात हो जाती है, तो आप देखते हैं कि वहां साफ पानी भर जाता है। वो कीचड़ युक्त मटमैला गंदा पानी वहां से खत्म हो जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है। और पानी भी अगर आप देखेंगे तो होता वैसे क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन जब वो मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी बन जाता है, किसी रंग में मिलता है तो रंग बन जाता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, होती तो सच्चिदानंदमय है, लेकिन जब वो भौतिक गुणों का संग करती है, भौतिक माया का संग करती है, तो वो दूषित, एक दूषण से संक्रमित हो जाती है। तो वो जो संक्रमण है उसे भगवान का नाम जो है वो साफ कर देता है, और तब भगवान की उपस्थिति का एहसास हर पल होने लगता है। और हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे श्लोक पर, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम् धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। अर्थात भगवान जब शब्द रूप में अवतार लेकर कानों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त शुद्ध भक्त के हृदय में उतरकर उसके प्रेममय संबंध रूपी कमल पर विराजमान होते हैं, तो उसके हृदय की गंदगी, जैसे कि काम, क्रोध और लालच आदि, जो कि भौतिक संघ से उत्पन्न होते हैं, उन्हें वो उसी तरह साफ कर देते हैं जिस तरह कीचड़ भरे गड्ढों को शरद ऋतु की बरसात साफ कर देती है। तो भगवान का नाम देखिए कितना शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपके हृदय की समस्त मैल स्वमेव धुल जाती है। आप कई बार सोचते हैं कि हम पाप करें कि पुण्य करें, क्या करें, हृदय में जितनी भी ये संशय की ग्रंथियां हैं ये छिन्न भिन्न हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जब आप भगवान के नाम का, पवित्र नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, कोई अलगाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, एक ही है, तो आप भगवान का संग करने लगते हैं। इस बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति, वो बहुत बड़ा सागर पार करना चाहता था, तो उसके पास कोई और सहारा नहीं था। उसने कहा कि ऐसा है, एक योगी के पास एक है महात्मा जी, उनके पास चले जाइए, किसी ने बताया उन्हें, और वो जो है आपको कुछ देंगे जिससे आप सागर को पैदल भी पार कर सकते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वो गए भाई उन महात्मा के पास। महात्मा जी ने उन्हें पुड़िया पे कुछ लिख करके और गोलमोल बना के और उसकी तावीज बना करके उन्होंने कहा ये लो जी हाथ में पकड़ो और इसे खोल के देखना नहीं, और आप जो है बस इसे पकड़ के चले जाओ, आप पार कर जाओगे। तो जी वो उन्होंने हाथ में उठाया और उस पुड़िया को हाथ में उठा करके वो उस समुद्र पे चलने लगे, और उन्होंने देखा अरे मैं तो बिल्कुल भी नहीं धंस रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डूब रहा हूँ, बड़े मजे से ऐसे चल रहा हूँ जैसे कि बड़ी सुंदर सड़क बनाई है। तो वो अपना मजे से चलने लगे। अब वो आधे से ज्यादा जब पार कर चुके तो उन्होंने कहा अब तो पार करने ही वाला हूँ, जरा देख तो लूँ कि इसमें लिखा क्या है। तो उन्होंने पुड़िया खोली और पुड़िया के अंदर भगवान का नाम लिखा था। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम पढ़ा उन्होंने कहा हाय बस यही, बस जैसे ही उन्होंने कहा उनकी श्रद्धा खत्म हुई, विचलित हुए और वहीं वो डूब गए। तो सारा सवाल श्रद्धा का है। अगर आपको भगवान में श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान का नाम अगर आप लेंगे भी तो वो नामाभास हो जाएगा। तो भगवान का नाम जब हम पूर्ण श्रद्धा से लेते हैं तो वो चमत्कार हो जाता है, हमारी जिंदगी में चमत्कारी ढंग से कार्य करता है और हमारी जिंदगी बहुत ही सुंदर बन जाती है, बहुत ही सुंदर, अवर्णनीय, जिसकी कल्पना करना भी दुरूह है, बहुत बड़ी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक हमने जो कल्पना की है वो भौतिक भोग की कल्पना की है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कामनाएं, वासनाएं, वांछाएं, बस यही सब कुछ हमारे जिगर में, हमारे दिल में बैठा रहा, लेकिन कभी भी हम नहीं जानते कि क्या होता है इन कामनाओं से मुक्त होकर के। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब कोई कामना उत्पन्न ही ना हो, और जब कोई इच्छा, भौतिक इच्छा जब उत्पन्न नहीं होती तो हृदय की क्या हालत होती है, इंसान की क्या हालत होती है। तो वो हालत, वो सुंदर अवस्था प्राप्त कर सकते हैं आप जब आप भगवान के नाम को पूर्ण श्रद्धा से अपने जीवन में उतारें। और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जी बताइए। देखिए मैम, मैं आपका रेगुलर ये प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। आपके बार बार सुनने के बाद में ये क्वेश्चन मेरे मन में आता है, जैसे आप कहती हैं कि भगवान का नाम लेने से, हेलो, हाँ जी, भगवान का नाम लेने से जन्म और मरण व्याधि से छूट जाता है इंसान, फिर उसे कभी इंसान का जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष को पा जाता है।
अगर सभी भगवान का नाम लेकर मोक्ष पा गए तो इस सृष्टि की रचना कैसे होगी। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मतलब देखिए, नाम ना लेने के लिए हम कितनी चिंता करते हैं कि भाई अगर हम सबको मोक्ष मिल गया तो इस सृष्टि की कितनी चिंता। वाह वाह। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर हमने सारी बकरियां नहीं खा ली तो बकरियों का जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। कोई कहता है अगर हमने मछली ज्यादा नहीं खा ली तो मछली हो जाएगी सब जगह। तो ये मतलब बहाने हैं। मैं आपको बताती हूं कि भगवान तो चाहते हैं, देखिए कोई चाहता है कि जेल में रहे, बताइए, सवाल पूछ रही हूं मैं आपको। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि जो जेल है अगर वहां के सारे कैदी इतना अच्छा काम करें कि सबको रिहा कर दिया जाए तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? तो सब खुश होंगे, है कि नहीं? तो फिर ये जो भौतिक जगत है ये जेल है, अगर ये खाली हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? ये भौतिक जगत लेगी पार्वती आप, अरे सुनिए, जो है ना 3/4 जो लोक हैं वो वैकुंठ लोक हैं, आध्यात्मिक जगत है। ये तो भगवान का जेल खाना है जहां पे कि रेक्टिफिकेशन के लिए डाला है, पहली बात। और दूसरी बात, सृष्टि करना, उसका पालन करना, उसका विनाश करना, ये हमारा काम नहीं है, ये भगवान का काम है। तो भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अपनी सृष्टि की चिंता करते रहेंगे। आप अपनी चिंता कीजिए ना, आप पूरी दुनिया की चिंता मत कीजिए। आपकी पहली चिंता होनी चाहिए कि मैं कैसे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाऊं। तो इस चिंता, यही चिंता असली चिंता है, इसे कीजिए। आप दूसरों की चिंता मत कीजिए, वो भगवान केयर कर लेंगे, प्लीज। हाँ, और एक और हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं अभी ये लाइन पे है। नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए, आपका शुभ नाम? मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी, नारायणा विहार से। जी मुकेश जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम प्रभु हमारे लिए सब कुछ करते हैं और फिर भी हम एस्ट्रोलॉजी में हमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं, कि भाई किसी को हाथ दिखा रहे हैं, भैया हमारा हाथ देख दे, भैया जी हमारा पंडित जी हमारी पथरी देख दो, और ये कोई काम करने से पहले पूछते हैं, हाँ जी पंडित जी देखिए ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा हमारा, जबकि करने वाला प्रभु है। आपका क्या एडवाइस है इस बारे में? देखिए ऐसा है, ये एक बहुत बड़े संत ने कहा है कि ओनली फूल्स गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, है ना। बहुत मतलब कि जो व्यक्ति जिसे कि अपने पे भरोसा नहीं है, भगवान पे भरोसा नहीं है, जो जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जानता है, वो सिर्फ वो इस चीज में छोटी छोटी बातों में फंसा पड़ा है। क्या कि मेरा ये काम कैसे होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, हमारा ये काम रुक रहा है, वो काम रुक रहा है। अरे आपका तो पूरी जिंदगी रुक गई है, पूरी जिंदगी बेकार हो गई है। क्यों? क्योंकि आप एक अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। समझ रहे हैं आप मुकेश जी? जी जी। आप एक अंधे कुएं में गिरे हैं, और अगर आपको कोई कह रहा है कि ये लो भगवान का नाम, एक रस्सी है इसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ कुएं से, और आप उसे कहते हैं मैं नहीं पकड़ता, है ना, मुझे किसी और तरीके से निकालो पर मैं तो रस्सी नहीं पकड़ूंगा, तो कोई स्कोप है आप बताइए? नहीं है। तो इसीलिए आप कितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, और अगर ये जीवन हमारा सुखी हो भी जाए तो भी क्या फायदा, अगर अगले जीवन में हमें कुत्ता बिल्ली बनना है तो? आप ये सोचिए, है कि नहीं? तो जो है लोग जो हैं गलत दिशा में चलते हैं, सही दिशा है भगवान की तरफ जाने की। अगर आप भगवान की भक्ति की तरफ लगे तो आप ये देखेंगे कि दुख आएंगे ही नहीं। मतलब दुख आए भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा दुख कब आए और कब चले गए, क्योंकि आप कितने भी प्रोटेक्शन ले लीजिए, लेकिन अगर आपने अंगूठियां भी पहन ली और अगर बुरा कुछ होना है तो अंगूठी गायब हो जाएगी, उसका नख गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि होनी बलवान है, ये समझ लीजिए। तो होनी बलवान है, अगर विधाता ने कोई आपका विधान लिख दिया है तो वो टलेगा नहीं, वो होके रहेगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत समझने की बात है, समझना चाहिए इंसान को। अगर वो अपना इंसान जो है अपना मन यहां वहां डुलाता रहेगा और सोचता रहेगा कैसे मैं भौतिक जिंदगी को एक खुशनुमा कर लूं, और वो ये नहीं सोचेगा, ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करेगा, वो ये जानने की कोशिश नहीं करेगा मैं कौन हूं और मेरा किससे शाश्वत संबंध है, कैसे मैं हमेशा खुश रह सकता हूं, ये जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो आपकी जिंदगी एकदम बेकार है, शून्य है। इसीलिए मैं कहती हूं कि भगवान के नाम का नंबर वन अपने शून्यों के आगे लगाइए, ताकि शून्य की कोई कीमत हो जाए। एक के बिना शून्य की कोई कीमत नहीं है, है कि नहीं? एक और हमारे साथ श्रोता है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं अनिल चावला बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर से। हाँ जी अनिल जी। देखिए एक बात मैंने बोलनी थी कि जैसे आप कहते हैं कि आप जैसे जो भी आप पाप करते हैं या कुछ भी आपसे कुछ अनिष्ट कुछ हो जाता है आपसे गलत मतलब, तो आप कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से आपको मुक्ति मिल जाती है या आपका वो पाप धुल जाते हैं। हाँ। लेकिन उसके मुकाबले मैंने मतलब ये भी सुना हुआ है कि गीता में भगवान कहते हैं कि आप जो गलत काम करते हो, पाप करते हो, जितनी बार करते हो उतनी बार आपको उसका भुगतान करना पड़ता है।
तो इस चीज में मतलब अब कभी कभी आदमी कभी जाने अनजाने में भी गलत काम कर जाता है, बाद में सोचता है कि मेरे से गलत हो गया। तो देखिए मेरी, देखिए 100 बातों की एक बात है जी अनिल जी। देखिए बहुत बड़ी बात है, भगवान ये कहते हैं कि भाई सम्यक व्यवस्थितो ही सा, है ना, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा, यानी अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान की कंडीशन है कि अगर आप जो है कितने भी दुराचारी हैं रहे हैं और आप मगर मेरा भजन अनन्य भाव से करते हैं तो मेरे नाम का ये फल है, ये प्रताप है कि आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा हृदय अपवित्र है, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं तो हमारा हृदय बिल्कुल बिल्कुल पवित्र हो जाता है, तब पाप करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती और तब हमें ये सोचने की भी गुंजाइश नहीं होती कि हमारा क्या होगा। एक शुद्ध भक्त ये नहीं सोचता है कि वो स्वर्ग में रहे ये नर्क में जाए कहाँ रहे, वो ये सोचता है कि भगवान जिस प्रकार का दिव्य आनंद मुझे आपका नाम लेने में मिल रहा है, ये दिव्य आनंद इसकी अनुभूति सदैव मेरे साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूँ, मैं नर्क का एक कीड़ा भी बन जाऊँ ना तो भी आपको कभी ना भूलूं, तो ये दुआ करता है वो, इसलिए वो पाप और पुण्य से बहुत ऊपर उठ जाता है और वो होता है सिर्फ भगवान के नाम के चमत्कार से। हमारे साथ एक श्रोता, बात करते हैं इनसे जी। नमस्कार। नमस्कार, हरे कृष्णा जी। हाँ जी हरे कृष्ण, कौन बोल रहे हैं आप? सुधीर बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से। हाँ सुधीर जी बताइए। हाँ मुझे आज पहली बार नंबर मिला तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम सुन रहा था, इनफैक्ट 7 बजे के बाद सुन पाता था, तो फिर मैंने आदत डाली 6 बजे की सुनने की और मुझे आज नंबर मिला और मेरी ये कोशिश कामयाब होगी कि मुझे भगवान की तरफ से आपका आपसे बात करने का भी मौका मिला जी। तो मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो राशियां होती हैं, जैसे मैं कैंसेरियन हूँ और मैंने इनके बारे में पढ़ा भी है कि राशि के हिसाब से जो लोग होते हैं उनका नेचर भी होता है, तो क्या ये सच है, मतलब ऐसा क्या होता है? हाँ होता है, जो है राशि के हिसाब से अगर आप कैंसेरियन हैं तो आपके एक डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी आपकी उसकी, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी है, कोई भी विशेषता होगी, हाँ, और अगर राशि का कुछ भी सही भी होता है तो उसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए आपने राशि के अनुसार आप चले और आपने जाकर के जो है पंडितों से और सबसे सलाह की और जो है अपनी जन्मपत्री बनवाई और आपने बहुत सारी अंगूठियां भी पहन ली और बहुत सारी पूजा पाठ कर लिए कि जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहे, और 100 साल के होके हम मर गए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने अभी यही बात बोली थी, और मर करके हम कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म ले रहे हैं, तो वो जिंदगी क्या अच्छी बिताई आपने? यानी कि आप तो जो है अंधे कुएं में गिर गए ना, तो कहने का अर्थ ये है कि इस ये जिंदगी कैसे बीतेगी इसके लिए चिंता मत कीजिए, बॉडी एंड सोल ये टुगेदर रहें, ये जो हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये साथ रहें, बस इतना भर कमाइए, समझ रहे हैं, इतनी ही भर जो है भौतिक आवश्यकताएं जो है वहां तक रखिए बस, और बाकी समय जो है भगवत भक्ति में लगाएंगे तो आप जो है इस ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल कर पाएंगे, इस मानव योनि को धन्य कर पाएंगे, ताकि आप जो है भवबंधन से छूट जाएं, अन्यथा तो आप फिर यहीं पड़े रह जाएंगे ना। तो ये सब चीजें कि एक कैंसेरियन ऐसे होते हैं, लियोज ऐसे होते हैं, होते होंगे, लेकिन उसके बाद जब जिंदगी खत्म हो जाती है तब क्या होता है उनका, है कि नहीं? तो आप इन चीजों में मत जाइए कि ये पहन लूं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो खो जाएगा, वो सब छोड़ो, क्योंकि आपकी जिंदगी खुद खो रही है, है ना। समझने की कोशिश करो, ये बुद्धि में डाल लेंगे, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि मैं तिल तिल करके मर रहा हूँ रोज, ये बात सच है कि नहीं? आज आप कितने साल के हैं? मैं 44 का हूँ। 44 के है ना, तो 43 ईयर्स खत्म हो गए, हो गए, बिल्कुल हो गए, है ना, डू यू एग्री विद मी ना? तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप बाकी 50 साल अगर है आपकी जिंदगी के भी तो उसे अच्छे से मस्ती से गुजार लें, गुजरने के बाद क्या होगा ये सोचो। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा अगर हम भगवत भक्ति नहीं करते हैं तो, और बहुत ही कष्टमय जीवन जीना पड़ेगा। तो अभी भगवान को समझने की आपके अंदर बुद्धि है तो उस बुद्धि का प्रयोग करके भगवान के परायण हो जाइए, ये करिए, आप बुद्धि से काम लीजिए, तो ये सब चीजें मत करिए। एस्ट्रोलॉजी ठीक होता है कि नहीं होता है तो भी क्या, ये सब इस जीवन को ढंग से बिताने के लिए है ना, जीवन के बाद तो सब भयंकर हो जाएगा, तो जीवन मिला है आपको भक्ति करने के लिए, उसे करिए, बाकी ये सब छोड़िए, इससे कुछ होने वाला नहीं है प्लीज। और हमारे साथ हैं कुछ श्रोता, बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी बताइए जी। हाँ आई एम लिसनिंग। वो अभी रेडियो रेडियो प्लीज स्विच ऑफ योर रेडियो। ठीक है जी। ये रेडियो जरा वॉल्यूम कम कर दें। हाँ जी जी। सर आपका शुभ नाम?
हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर एम एल चावला। जी डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, यू सी आई एम एम एल चावला एंड एड्रेसिंग टू ए श्रोता। वो एक श्रोता जी ने पूछा था कि हम राशियां वगैरह पूछते हैं जो, तो राशियों से उसके फल पे बिलीव करने से और एस्ट्रोलॉजी को दिखाने से, तो उन श्रोता से मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप किसी कोठी में जाते हैं तो मालिक की कुतिया जो होगी वो आपके चरण चूमेगी, आपको भौंकेगी नहीं। अगर यदि आप भगवान जो कि इन सब राशियों का कर्ता धर्ता स्वामी है, उसके द्वार में आप जाएंगे तो राशियां आपकी गलत भी होंगी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये होती है श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, बिल्कुल सही बात जी। तो इस वजह से यदि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक वो श्रोता देख ले, ऐसे व्यक्ति को जो नहीं है वो मैं ढो के ला दूंगा सिर पे, बिल्कुल बिल्कुल, और जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा, बिल्कुल सही बात। वो ही शुड बी फ्री, वो उसको एस्ट्रोलॉजर और इनके पीछे पढ़ना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। धन्यवाद, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात रखी। वो शायद जो मैं कहने से चूक गई, आपने उसे पूरा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, शायद देखते हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, लगता है बेचारे लाइन होल्ड करते करते बोर हो गए और लाइन कट गई। जो भी है, हम दोबारा से इन्हें लेने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और जो बात मैं भी अक्सर सोचती हूं, और यही कि हम ये जब सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को और खूबसूरत तरीके से जी लें। आप देखिए कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं लोग बनाते हैं, बड़े बड़े कई सारी जमीनें लोग खरीदते हैं, यहां वहां वहां यहां। तो मुझे कहानी याद आ जाती है एक ऐसे इंसान की, जिसे कि एक जो है दूत ने, एक भगवान के एक किसी बंदे ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सारी जमीन दे दूंगा, तुम जो है सिर्फ ये है कि सुबह से लेकर के शाम तक, ये सूरज ढलने से पहले भाग भाग करके पूरी जमीन जो है तय कर लो जहां तक तुम्हें चाहिए, और वापस भी आना है शाम ढलने से पहले, वो सारी जमीन तुम्हारी। और आदमी इतना लालची को भागता चला गया, भागता चला गया। उसने कहा थोड़ा सा और कवर कर लूं, थोड़ा सा और कर लूं, और फिर उसके बाद जब वो उसने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, तब तक बहुत देर हो गई। वापस आते 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 थकावट से चूर होकर वो मर गया, और अंततः उसे मिली तो बस वही 2 गज जमीन उसके हिस्से की। और ये जो है सत्य है जिंदगी का, ये बहुत बड़ा सच है। तो जब हम यहां पे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि भाई साहब ने कहा और इन सज्जन ने भी हमें बताया कि राशिपति भगवान है, भगवान ने आपका जो है सब कुछ लिख दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, और भगवान भी कहते हैं कर्मणि निर्धति, भगवान जो है आपके समस्त कर्मों को जला देते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान हमारे कर्मों को जला देते हैं जब हम उनके शरणागत होते हैं। हमारे जो है कई कई जन्मों के पाप कर्म सब स्वयं भस्मान होते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हम पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर उनकी शरण लेते हैं। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना श्रद्धा के आपको कुछ नहीं मिल सकता। भगवान कहते हैं ये बात, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, कि आप अगर मुझे प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि आप मुझ में श्रद्धा नहीं करते हैं, तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं प्राप्त नहीं हो सका आपसे, आपने मुझे प्राप्त नहीं किया, तो आप क्या मृत्यु संसार वर्तमानी अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, बार बार इस मृत्यु के पथ पर आपको आना पड़ेगा, इस संसार में आना पड़ेगा जो मृत्यु का पथ है, जहां कदम कदम पर सिर्फ मृत्यु होती है। तो इधर हमें आना पड़ेगा बार बार। तो अच्छा ये होगा कि हम भगवान के शरणागत हों। हमारे साथ हैं कुछ श्रोता, बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है। हाँ जी राकेश शर्मा जी। मैं द्वारका से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ जी। एक तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप इतने अच्छा प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का करती हैं जो नॉर्मली आजकल के लोगों में नहीं पाया जाता। जी शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि आप पहले तैयार होकर आती हैं या आपको मालूम होता है, बहरहाल शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा क्या आप ये सही नहीं मानती कि मेरे हिसाब से जैसे
बस अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। एक बहुत बड़ी पूजा है, बजाय इसके कि हम ये मंत्रोच्चार करें और घंटा बजाएं और दुनिया भर के और ताम झाम करें। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरा क्या कहना है इस बारे में। मैं कुछ नहीं कहती, जो शास्त्र कहते हैं वो बताऊंगी आपको। मैं तो कोई वो नहीं हूँ ना, बहुत बड़ी साधु संत और जिसने एक शास्त्र लिखे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अगर जो है हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हाँ, तो हम जो है जो कुछ भी करते हैं, पहली बात वो श्रमेव ही केवलम होता है, यानी वो सिर्फ लेबर होता है ना। अब हम अगर किसी की भलाई करते हैं, विच इज वेरी गुड, करना चाहिए। अगर एक जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो भलाई ऑटोमेटिकली करेगा लोगों की, लोगों से ऑटोमेटिकली प्यार करेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है योमयी पश्यति सर्वत्र सर्वम चमयी पश्यति, हाँ तस्या हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझे हर जगह देखता है वही मेरा असली दर्शन करता है, और वो असली दर्शन जो करता है उसके लिए मैं कभी भी जो है आंखों से ओझल नहीं होता हूँ, और वो भी मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होता है। ठीक है, अब ये भगवान कहते हैं तो शुद्ध भक्त ऑटोमेटिकली लोगों की भलाई करेगा, लोगों से प्रेम से बात करेगा, उसके अंदर कोई गर्व नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, वो बेचारा बहुत सिंपल हार्टेड रहेगा, बहुत सरल, उसे पता भी नहीं होगा कि झूठ और ये प्रपंच क्या है। लेकिन लेकिन अगर आप ये याद रखिए कि अगर आप भगवान से जुड़े बगैर, भगवान को आपने माइनस कर दिया अपनी जिंदगी से, और अब आप जो है जो मत बजाइए घंटियां, मत कीजिए मंत्रोच्चार, भगवान को मत याद कीजिए, मत अपनी आंखें नम कीजिए उनके लिए, उन्हें माइनस कर देते हैं, और आप कहते हैं कि चलो मैं इंसानों की भलाई कर देता हूं, परोपकार कर देता हूं, तो एक बात याद रखना कि हर कर्म का एक फल होता है, और फल को खाने के लिए भी तो आना पड़ेगा ना, जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया, अब अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छा फल लोगे कैसे जब तक कि शरीर नहीं लोगे, तो शरीर लेना पड़ेगा भौतिक जगत में। अब भौतिक जगत में शरीर लेना ये दुखों का कारण है, चाहे आपको, चाहे आप जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में पैदा हो, पर ये तो नहीं है कि बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे भी कभी बीमार नहीं पड़ते, या उन्हें मन नहीं मारना पड़ता, या उन्हें दुख नहीं होते, या वो बूढ़े नहीं होते, या उनकी मृत्यु नहीं होती, सारे दुख सहने पड़ते हैं, सारे दुख। तो पुण्य करेंगे तो भी दुख सहने पड़ेंगे, और पाप करेंगे तो बहुत ही कुछ सहना पड़ेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि अगर हम भगवान को इन्वॉल्व करके सारा काम करें, नहीं भगवान को तो इन्वॉल्व करे बगैर काम चलेगा ही नहीं ना, वो तो एक सुबह, लेकिन सुबह सुबह आपने भगवान का नाम ले लिया, लेकिन और सारे दिन आपने बुरे काम किए तो मेरे ख्याल से वो तो गलत है ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम सिर्फ सुबह सुबह ले लिया और बाकी सारा दिन हम अच्छे काम करते चले गए, तो ये मामला गड़बड़ है। मेरे कहने का मतलब है कि सततम कीर्तियंतो माम, हाँ, यतंतश्च दृढ़व्रता नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। भगवान कहते हैं मेरा सतत कीर्तन करो, सतत कीर्तन कंटिन्यूसली मुझे याद करो। तो ये बहुत आसान है, हर सांस पे भगवान का नाम चढ़ जाए तो क्या बात है। आप ऐसा करेंगे तो जो भी कर्म आप भगवान की चेतना से युक्त होकर के करेंगे तो वो अकर्म हो जाएगा, और उसका कोई फल आपको लेने के लिए आपको शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। एक और हमारे साथ श्रोता है, बात करते हैं इनसे। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कौन बोल रही है? मैं राखी बोल रही हूँ, पहाड़गंज से। हाँ राखी, बताओ। मैम, भगवान के प्रति जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बताना चाहूंगी। बताएं। एक बार रात के समय मैं आ रही थी कहीं शादी में से। अच्छा। तो मुझे गली में कुत्तों ने घेर लिया। आपको? जी हाँ। अरे। एक कुत्ता भोंका तो सारे भोंकने लगे, आगे से पीछे से सब गलियों में से आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूँ, किसको बुलाऊं, किससे हेल्प मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने भगवान का नाम लिया और उन्होंने मेरी इतनी सहायता करी कि मुझसे चार पांच कदम दूर खड़े रहे कुत्ते, कोई भी मेरे नजदीक नहीं आया और ना मेरे काटा। अच्छा, मुझे बिल्कुल लगा था कि मैं तो अब गई, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। देख लो मैम, हम अगर भगवान को महसूस करते ना तो हर पल हर क्षण वो हमारी सहायता करते हैं, ये सत्य है। और मैम, हम दीवार में कील ठोकते हैं, भगवान का नाम लेकर ठोकेंगे तो हथौड़ा हाथ पे नहीं लगेगा, और नाम ये भी ना छोड़ेंगे ना तो हाथ घायल होगा ही होगा। मैंने बहुत बारी एक्सपीरियंस करा है, मैंने पल पल हर क्षण भगवान को महसूस करा है। बहुत अच्छी बात है। देखो, भगवान से जो व्यक्ति युक्त हो जाता है वो हर पल हर क्षण भगवान को अपने साथ महसूस करता है, चारों तरफ महसूस करता है। मैंने बताया ना, योमयी पश्यति सर्वत्र, भगवान कहते हैं जो मेरा हर जगह दर्शन करता है वही असली दर्शक है, भगवान का असली दर्शक वही है, तो दर्शनाभिलाषी वही है। तो ऐसा ही हमें होना चाहिए। तो आपका जो अनुभव है वो बहुत मजेदार रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सीख देता है कि देखिए आपने भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखी, आप न घबराई न डरी, आपने भगवान को याद किया। आप अपनी मम्मी को भी याद कर सकती थी, हाय माँ मुझे बचाओ, है ना, मम्मी पापा को याद कर लेते हैं लोग एकदम से, आ ये क्या हो गया, हाय माँ, है ना। लेकिन आपने ये सब कहने के बजाय आपने भगवान में आस्था रखी और भगवान को याद किया और भगवान को हर पल याद करते हुए, इससे सुंदर बात और कुछ
हो नहीं सकती। तो आपकी जिंदगी वाकई बहुत सुंदर है, वैकुंठमय है। वैकुंठ माने जहां कोई दुख ना हो, ऐसी जगह। तो ऐसा है और भगवान भी उस श्रद्धा की लाज रखते हैं, उस श्रद्धा की लाज रखते हैं जो श्रद्धा आप भगवान में करते हैं, दिखाते हैं, उसकी वो हमेशा लाज रखते हैं, ये याद रखिएगा आप। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कंडीशन यही होती है कि अनन्य चिंतयन्तो, यानी अनन्य भाव से उनका भजन कीजिए। ये नहीं कि आप किसी भौतिक व्यक्ति पर भी निर्भर रह रहे हैं और आप भगवान को भी साइड में भजे जा रहे हैं या भगवान के बारे में भी सोच रहे हैं। अनन्य, ना कोई अन्य, सिर्फ तुम, और तुम हो मेरे, तुम ही हो मेरे, तुम मेरी लाखों लाज हरी। तो भगवान के हाथों में अपनी लाज छोड़ देंगे, अपनी श्रद्धा अविचलित भाव से रखेंगे, तो वो आपकी लाज की अवश्य रक्षा करेंगे।